बहारा है। फ्रेंड्स अभी आप जो वीडियो देख रहे हो नेचर वाली, फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो रील्स पर काफी ज्यादा बनती है। और फ्रेंड्स अगर आप भी इस तरह के वीडियो बनाना चाहते हो, अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छी जगह हो, लोकेशन अच्छी हो और आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो उस लोकेशन से, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है देखने में काफी ज्यादा मस्त लगता मुझे तो, और मैंने क्या पता कितनी बार स्टोरी डाल दी है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए क्या करना होगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको छोटे छोटे क्लिप ले लेना है जो भी एरिया के आप लेना चाहते हो, मतलब जो भी अच्छी जगह हो वहां के आप छोटे छोटे क्लिप ले लीजिएगा एक दो सेकंड के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह के क्लिप लेना आपको, और उसके बाद आपको इन्हें ऐड करना और एनिमेशन लगाना है, लिरिक्स लगाना है, उसके बाद आपका वीडियो बन जाएगा। तो कैसे बनेगा तो थोड़ा आपको बता देता हूँ, थोड़ा तो आप समझ ही गएंगे। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर, वीडियो पूरी वॉच करना है क्योंकि आप जरा सी भी स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने केप का टेप ओपन कर लिया, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपने जो छोटे छोटे क्लिप शूट किए होंगे उन्हें आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी इनको ऐड कर रहा हूँ, तो सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जितने आप क्लिप ऐड करना चाहते हो कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11-12 और आपको सॉन्ग के हिसाब से आपको इन्हें एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सॉन्ग के हिसाब से कैसे एडजस्टमेंट करना आपको बता दूंगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, तो उसके बाद यहाँ पर एड ऑडियो पर क्लिक करना है, फाइल पर क्लिक कर देना है, और देखिए जो भी सॉन्ग पर आप बनाना चाहते हो उसे आपको ऐड कर लेना। तो इसे अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, इंपोर्ट साउंड ओनली पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सॉन्ग ये ओ दरिया, ठीक है, उसके कुछ इस तरह से कर रहा हूँ मैं, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा छोटा कर देता, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, तो आपको भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन्हें और छोटा भी कर सकते हो क्योंकि क्लिप काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास। तो उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, जैसे कि मान लीजिए ये, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर एनिमेशन पर क्लिक करना है, और एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद देखिए जो भी आप लगाना चाहते हो, इन में लगा सकते हो, आउट में लगा सकते हो, कॉम्बो में लगा सकते हो। तो यहाँ पर अभी इन पर क्लिक कर देंगे, इन में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, लेकिन अभी मैं इन में से नहीं करूँगा, यहाँ पर कौन सा करूँगा, तो देखिए कॉम्बो पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर देखिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, नेट स्लो है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप लगा सकते हो, तो पेटीएम 1 लगाएंगे और सेकंड वाला इसमें पेंडिनियम 2 लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए कुछ रहा हूँ मैं, तो आप अपने हिसाब से भी लगा लीजिएगा इफेक्ट, जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पर वो वाला इफेक्ट लगा लीजिएगा, मेरा बोलने का ये मतलब है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे लगा लीजिएगा, तो एग्जाम्पल के लिए मुझे आपको समझाना है, तो मैं तो अभी यहाँ पर अच्छे अच्छे लगा के देखिए, तो इसमें मैं ये जो 1 लगा रहा हूँ, ठीक है, और उससे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जो यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं वो लगा लेना आपको। उसके बाद तो यहाँ पर देखिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमने कुछ इस तरह से अभी इफेक्ट लगा दिया, तो इसका जो सॉन्ग है फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी कुछ इस तरह से लगा दिया मैंने, आपको भी अच्छे अच्छे से लगा देना, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको आपको शेयर पर क्लिक करके पहले एक्सपोर्ट कर लेना है। इसमें अब हम लाइटिंग करेंगे थोड़ी सी, ठीक है, इसका जो कलर है उसको चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको एक और ऐप ओपन कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा लिंक। तो फ्रेंड्स ये वाली ऐप मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक कर देना, ठीक है। प्लस पर क्लिक करने के बाद देखिए अभी आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया आपको उसे ऐड कर लेना है, तो यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर लिया। तो फ्रेंड्स इसमें आपको लिरिक्स भी ऐड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है, और इसे आपको कम ज़्यादा करके देख लेना है। तो इसे मैं यहाँ पर 31 रख लें, और यहाँ पर इसको बढ़ा के देखिए, बढ़ा के मैं 25 रख रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैं यहाँ पर बढ़ा के 40 रख रहा हूँ, इसको बढ़ा के मैं यहाँ पर 64 रख रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, और यहाँ पर माइनस में 16 रख रहा हूँ, ठीक है, और इसे कुछ इस तरह से बढ़ा के यहाँ पर माइनस में इसको भी 24 रख रहा हूँ, और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर 10 रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से 9 रख रहा हूँ, और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए 13 रख रहा हूँ, उसके बाद इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए इसको प्लस में रख रहे हैं 39, ठीक है, और उसके बाद इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर माइनस में रख रहे हैं 20, ठीक है, और 20, उसके बाद यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से 30 यहाँ पर देखिए माइनस में जाके देखते हैं, तो माइनस में इसको 10 रख लेते हैं, और उसके बाद इसे कुछ इस तरह से माइनस में मतलब 7 रख लेते हैं, ठीक है, प्लस में, और उसके बाद इसे कुछ इस तरह से 11 रख के इसे आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको 0 रहने देना, नहीं तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो बस इतना रख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको अपने हिसाब से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर उसके बाद आपको फिर से शेयर पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है, और आप दूसरे फिल्टर लगाना चाहते हो तो वहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हो जाए, उसके बाद आपको डायरेक्ट फिर से कैप कट ऐप ओपन कर लेना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कैपकट ऐप ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना और अभी आपने जो उस वाली ऐप से वीडियो एक्सपोर्ट की उसे ऐड कर लेना है। इसे ऐड करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पर ओवरले पर क्लिक करके ऐड ओवरले पर क्लिक करना है। अब आपको लिरिक्स ऐड करना है इसमें, ठीक है। लिरिक्स कैसे बनाते हैं इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लीजिए। प्ले लिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उससे प्ले लिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर 4-5 वीडियो में बता रखा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना और उसके बाद यहाँ पर आपको फिल्टर पर क्लिक कर देना, तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो लिरिक्स है कुछ इस तरह से हो जाएगी, तो इसे जहां भी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो लिरिक्स है इसको आपको सॉन्ग के हिसाब से भी एडजस्टमेंट करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स सॉन्ग के हिसाब से काफी ज्यादा मस्त लगे। यहाँ पर ये जो इसके छोटे छोटे क्लिप है नेचर के, इसे कुछ जल्दी जल्दी कर दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने हिसाब से करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद भी लिरिक्स ऐड कर सकते हो, काइन मास्टर से मैंने बताया उस वाली वीडियो में, जाके देख लीजिए, ठीक है। और शेयर पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना तो आपका वीडियो तैयार है। आपके एरिया में कोई अच्छी जगह है तो उस पर ट्राई कीजिएगा इस तरह का वीडियो। मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक ले बाय।